हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो है फिर से क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी तक हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और पीएच के बारे में भी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस के अंदर ये सारे टॉपिक्स। आज का जो टॉपिक वो हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्ट के बारे में, जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस यूनिट में से बड़ी बार देखा गया है बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर कि इस टॉपिक में से बड़े सारे क्वेश्चंस जो है वो 1-1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। मीन्स वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में से जनरली पूछे जाते हैं। तो वही टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्ट के बारे में, कि सॉल्ट होते क्या हैं और कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हमें सॉल्ट से ऑब्टेन होते हैं, या फिर सॉल्ट हम कह सकते हैं कि सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सॉल्ट पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्ट्स होते क्या है। सॉल्ट्स कब बनते हैं? जब भी बेस की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ होती है तो, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूं किसी भी बेस की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी, ठीक है, बेस, कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। जब भी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हो तो क्या बनते हैं? सॉल्ट्स बनते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, सॉल्ट्स कब बनते हैं? जब भी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एसिड HCl है, अगर HCl की रिएक्शन मैं बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, हमने पढ़ा था बेस के बारे में, जितने भी ऑक्साइड जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे बेस कहलाते हैं। कौन से वाले? मेटल वाले, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी जनरली सॉल्ट की कैटेगरी में समटाइम्स आते हैं। तो यहां पे HCl इज अ एसिड एंड NaOH इज अ बेस बिकॉज इट्स अ मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज अ मेटल, OH इज हाइड्रोक्साइड, तो व्हाट इट मींस, इट्स अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन इट रिएक्ट्स तो यहां पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या कर जाता है, इस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि सॉल्ट कब बनते हैं? जब एक एसिड में से हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह पे मेटल आ जाए तो देन सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। अब यहां पे एसिड में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? मेटल आ जाएगा। कौन सा मेटल होगा? जो कि बेस में प्रेजेंट होगा। अब बेस में कौन सा मेटल है? सोडियम प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन की जगह पे ले लेगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा? NaCl, और प्लस क्या बच गया हमारे पास? OH बचा और इधर से H बचा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे, NaCl प्लस वाटर। इस तरह से सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो जनरली डेफिनेशन क्या बन जाती है सॉल्ट की? ए सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड विद अ मेटल, ठीक है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है, सॉल्ट इन्हें कहते हैं, कि जब भी किसी एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई मेटल आ जाता है तो वो जो प्रोडक्ट हमारा नया बनता है वो क्या होता है? सॉल्ट कहलाता है। अब पढ़ लेते हैं सॉल्ट कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, सॉल्ट की टाइप्स कितनी है। तो सॉल्ट की 3 टाइप्स आती हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। एसिड 3 तरह के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। अब एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं वो पहले देखेंगे। एसिडिक सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो कब होती है? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करता है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? एक एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। और एसिडिक सॉल्ट के जो क्या होती है, पीएच वैल्यू होती है, वो जनरली क्या होती है? लेस देन 7 होती है, क्योंकि एसिड्स के बारे में पढ़ा हमने कि एसिड्स की पीएच वैल्यू क्या होती है? 0 से लेकर 7 के बीच में। तो दैट मींस एसिडिक सॉल्ट की भी पीएच वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7 हो सकती है।
सिक्स हो सकती है, फाइव हो सकती है, फोर हो सकती है, थ्री हो सकती है, 3.5 हो सकती है, एनीथिंग हो सकती है बिटवीन 0 to 7 के बीच में, वो होते हैं एसिडिक सॉल्ट। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। क्या कहा मैंने यहां पे कि एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। जनरली रिएक्शन कैसी होगी इसकी? जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ होगी, वीक बेस, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। और इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन 7 होगी, ठीक है, लेस देन 7 इसकी पीएच वैल्यू आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। ये हो गया फर्स्ट सॉल्ट, पहला सॉल्ट। अब दूसरा सॉल्ट है बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट जो है वो कैसे बनता है? जब एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का मीनिंग कि उसमें जो बेस होगा वो क्या होगा? वीक होगा, सॉरी, बेस जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा बट एसिड जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। जब एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कौन सा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, किस तरह से? जब एक वीक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट होगा? आपका बेसिक सॉल्ट होगा। अब बेसिक सॉल्ट है तो इट मींस इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? अबव 7 होगी, 7 से लेके 14 के बीच में लाई करेगी बेसिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू। एंड द लास्ट वन इज द न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और न्यूट्रल सॉल्ट होने की वजह से उसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी? 7 रहेगी, क्योंकि जो न्यूट्रल सबस्टेंस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। तो ये आगे 3 टाइप्स किसके? एसिड्स के, सॉरी सॉल्ट के। सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया और उनकी टाइप्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो पहला सॉल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो बेसिक सॉल्ट है, वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट वो होता है जो हम जनरली घरों में यूज करते हैं, ठीक है, दालें बनाने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए और किसी काम में भी, जो किचन के अंदर आपका सॉल्ट यूज होता है वही कॉमन सॉल्ट कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जस्ट सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट की मैं यहां पे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। कॉमन सॉल्ट जो होता है इसका जो केमिकल नेम है, पहली बात करते हैं इसका केमिकल नेम। जो केमिकल नेम है इसका वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल नेम फॉर कॉमन सॉल्ट। दूसरी चीज इसमें क्या है, सेकेंड थिंग, कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमन सॉल्ट का क्या होता है? ये होता है NaCl। और कॉमन नेम क्या आता है? कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है। कॉमन नेम क्या आ गया? कॉमन सॉल्ट आ गया। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl। Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया बेसिक कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट बड़ी जगह पे यूज होता है जनरली, ठीक है, बड़ी सारी चीजों में यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे किचन में ही यूज करते हैं। अगर डोमेस्टिक पर्पस के बारे में बात करें तो किचन के अंदर बड़ी सारी दालों के अंदर, सब्जियों के अंदर जो है वो सॉल्ट का यूज करते हैं ताकि खाने का जो है वो फ्लेवर इंप्रूव हो सके, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी प्रेपरेशन के बारे में कि कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब 2 मेथड से ये प्रिपेयर होता है। एक मेथड वो जो लैबोरेटरीज के अंदर यूज किया जाता है और एक मेथड वो है जहां से हम एक बड़े सारी अमाउंट में सॉल्ट को निकाल सकते हैं। पहले लैबोरेटरी का प्रोसेस हम देख लेते हैं कि प्रेपरेशन इसकी लैबोरेटरी में किस तरह से की जाती है। प्रेपरेशन लैबोरेटरीज के अंदर NaCl को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? जब हम HCl एसिड एक्वस फॉर्म में इसकी रिएक्शन, HCl इज एसिड, ठीक है, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन एक्वस फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है, दिस इज आल्सो इन एक्वस फॉर्म, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड।
कॉमन सॉल्ट NaCl बनता है, ठीक है, और प्लस वाटर जो है वो रिलीज होता है। अब यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट बना इट इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म, ये भी एक्वस फॉर्म में बनेगा। अब एक्वस फॉर्म में तो सॉल्ट होता नहीं, आपने जनरली जो घरों के अंदर सॉल्ट देखा होगा वो क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉल्ट की फिजिकल जो अपीयरेंस होती है वो होती है। बट यहां पे जो सॉल्ट हमारे पास बना वो एक्वस फॉर्म में बना, अब ये कैसे करें, आप इसको सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो NaCl यहां पे बनेगा इसको क्या किया जाता है, एवेपोरेट किया जाता है, ठीक है, एवेपोरेट किया जाता है इसको। तो एवेपोरेट होने के बाद इसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे हमारे पास जो चीज लेफ्ट हो जाएगी, जो चीज बच जाएगी वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉल्ट बच जाएगा। ये हो गया एक मेथड लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए। अब लेबोरेटरीज के अंदर हम इतना ज्यादा सॉल्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते कि वो हमारी कंट्री की नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है, हमारी कंट्री की नीड्स जो है वो लेबोरेटरी के अंदर सॉल्ट प्रिपेयर करके नहीं पूरी की जा सकती। तो फिर कैसे प्रिपेयर किया जाए सॉल्ट को कि हमारे पूरे कंट्री की नीड्स को पूरा किया जा सके, तो उसके लिए जो सॉल्ट का मेजर सोर्स माना जाता है वो कौन है, सी वाटर, मेजर सोर्स ऑफ, ये लाइन याद रखिए, मेजर सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, सी वाटर है, सी वाटर, समुन्द्र का पानी। अभी आपको पता ही है कि नमक को कहां से निकाला जाता है, समुद्र के पानी में से निकाला जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, उसमें बड़ा सारा सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब वो भी तो एक्वस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें से कैसे सॉल्ट को निकाला जाता है, उसमें भी क्या किया जाता है, एक बड़ा सा एक तरह का आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है, नीचे पॉलीथीन, बड़ा सा पॉलीथीन बिछाया जाता है और उसके अंदर सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है। सी वाटर को कलेक्ट करने के बाद उसको एकदम सूरज की रोशनी में रखा जाता है, ठीक है, ओपन स्पेस में ये चीज होती है। तो क्या होगा कि सूरज की रोशनी की वजह से, सनलाइट की वजह से, उस सी वाटर में से जो वाटर का कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा, कॉमन सॉल्ट बच जाएगा। अब वो जो कॉमन सॉल्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि NaCl ही हो, उसमें और भी बड़े सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो सी वाटर के अंदर है। हम ये नहीं कह सकते कि सी वाटर के अंदर सिर्फ NaCl प्रेजेंट है, गलत है। सी वाटर के अंदर सिर्फ NaCl प्रेजेंट नहीं होता है, सी वाटर के अंदर और भी बड़े सारे सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो बाद में उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें से इंप्योरिटीज को निकाला जाता है और लास्ट में हमारे पास NaCl को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करने का तरीका, एक तरीका वो जो लेबोरेटरीज के अंदर किया जाता है और एक तरीका जो नेचुरली हमें सी वाटर से हम निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया दो मेथड सी वाटर से, सॉरी कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अब पढ़ते हैं इनके यूजेस के बारे में, किस कॉमन सॉल्ट के यूजेस कहां कहां पे किए जाते हैं। सबसे पहला तो यूज मैंने आपको बता दिया कि घर के अंदर, किचन के अंदर जो है वो अलग अलग सब्जियां, पल्सेस, वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करने में जो सॉल्ट हम यूज करते हैं वो कॉमन सॉल्ट ही होता है, ताकि सब्जियों का एक फ्लेवर आ सके, टेस्ट बन सके। अब बिना नमक के सब्जी कैसे लगेगी वो आप खुद अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो टेस्ट लाने के लिए सब्जियों में कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। ये हो गया फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज जो है, ठीक है, सेकंड यूज है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से प्रॉपरली फंक्शन करे, उसके लिए भी कॉमन सॉल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमें कॉमन सॉल्ट जो है वो अपने खाने के अंदर जरूर लेना चाहिए, और हमारे जो बोन्स के लिए है वो भी कॉमन सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। ये सेकंड यूज आ गया, इसमें सेकंड यूज में आप लिख सकते हैं ये। थर्ड यूज इसका जो होता है कॉमन सॉल्ट का, वो क्या होता है, पिकल्स, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए, एज ए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट को, पिकल्स के अंदर, मीट के अंदर और फिश के अंदर। दिस इज द थर्ड यूज फॉर कॉमन सॉल्ट। देन फोर्थ यूज, एक और इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका, आइस को मेल्ट करने के लिए। जनरली क्या होता है कि जो कोल्ड कंट्रीज है, जहां पे जनरली
पूरे साल में ज्यादातर बर्फबारी होती रहती है, ठीक है, स्नोफॉल होता रहता है, तो वहां पे क्या होता है कि सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं वो बर्फ की वजह से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है, रुक जाता है। तो क्रेन्स का काम तो होता ही है उस स्नो को हटाने का, बट उसके साथ साथ जो कोल्ड कंट्रीज हैं, जो ऐसे देश हैं जहां पे बर्फ ज्यादा गिरती है, वो क्या करती हैं, वो रोड के ऊपर सॉल्ट को बिखेर देती हैं, कि सॉल्ट की प्रॉपर्टी है कि ये आइस को मेल्ट कर देता है फास्ट तरीके से। इसलिए कोल्ड कंट्रीज में जनरली सॉल्ट का यूज किया जाता है टू मेल्ट द आइस, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, और भी बड़े सारे यूजेस है, ठीक है। इसको एज ए केमिकल्स बड़े सारे इससे बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, कॉमन सॉल्ट को एज ए रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है। अब कौन कौन से केमिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, यहां पे तीन केमिकल्स मैं बता देता हूं, कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए, जिसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो कॉमन सॉल्ट का यूज है जिससे केमिकल प्रिपेयर किया जाता है वो है आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10 times water। Na2CO3 is the anhydrous sodium carbonate. Anhydrous sodium carbonate वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता, there is no water content in anhydrous sodium carbonate, but washing soda के अंदर 10 molecules of water of crystallization present होते हैं, इसलिए इसको sodium carbonate decahydrate भी कहा जाता है। Deca means 10, hydrate means water, 10 molecules of water जिसके अंदर present होते हैं वो क्या होता है, washing soda होता है। और third जो chemical common salt से prepare किया जाता है वो है आपका baking soda, baking soda। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और केमिकल नेम क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaHCO3। तो दीज आर द मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट केमिकल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल। कॉमन सॉल्ट को रॉ मटेरियल के तौर पर भी इन केमिकल्स को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। तो इन केमिकल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ आया। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि अगर मैं दो दो तीन तीन टॉपिक्स को एक साथ समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको जनरली एक एक टॉपिक समझा रहा हूं। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से सुन लें तो ये टॉपिक्स आपको कभी नहीं जिंदगी भर में भूलेंगे और अच्छे मार्क्स जो है वो अपने एग्जाम में आप स्क्योर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें बता रहा हूं और इसी में से जो है वो आपका एग्जाम जो है वो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा कॉमन सॉल्ट से जो केमिकल्स हमें मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।